आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी साइन ए इज गिवन एज 4/5 एंड साइन बी इज गिवन एज 12/13। सो हमको साइन सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन ए इक्वल्स टू 4/5 हो गया, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर 5² - 4² / 5 होता है ना, है ना दोस्तों? बिकॉज ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो इस तरफ ये तो ए है, सो ये तो 4 है, ये तो 5 है। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 5² - 4² आएगा। सो इसको कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू बाय 5। सो इसका वैल्यू तो 3/5 है। इसी तरफ कॉस बी का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर 13² - 12² / √13 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 5/13 है ना दोस्तों। तो हमको साइन सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन सी विल बी इक्वल्स टू, तो साइन सी के लिए हम इस तरफ ले सकते हैं ना, साइन ऑफ ए प्लस बी। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस सी, दिस इज इक्वल्स टू साइन सी, है ना। सो साइन सी विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी। सो साइन सी विल बी इक्वल्स, साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस विल बी इक्वल्स टू 3/5 × 12/13 प्लस 5/13 × 4/5 को इस तरफ सब्सटीट्यूट किया, तो बिकॉज साइन ए का वैल्यू है, कॉस बी का वैल्यू है, कॉस ए का वैल्यू है, साइन बी का वैल्यू है। सो साइन ए इंटू कॉस बी 4/5 × 5/13 प्लस 3/5 × 12/13 है। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? और डायरेक्टली 12 × 3 = 36 प्लस 20/13 × 5 होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 56/65 है ना। सो हमारा साइन सी का वैल्यू क्या होता है? साइन सी विल बी इक्वल्स टू 56/65। ये है हमारा रिक्वायर्ड साइन सी का वैल्यू दोस्तों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।